कि आपके पास भी आया ऐसा इमरजेंसी मैसेज। आखिर क्या है इस मैसेज का मतलब? कहीं आप फ्रॉड का तो नहीं हो जाएंगे शिकार? आपके पास ही क्यों आया अलर्ट का मैसेज? बहुत सारे लोगों के फोन पर अचानक से एक अलर्ट आ रहा है, जिससे लोग अब सोशल मीडिया पर भी शेयर कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उनके फोन पर यह अलर्ट मैसेज क्यों आ रहा है। यह मैसेज हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है। कई लोगों को यह अलर्ट एक से ज्यादा बार भी आ रहा है। इस मैसेज में लिखा होता है, यह मैसेज भारत की दूर संचार विभाग द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के माध्यम से भेजा गया एक सैंपल टेस्टिंग मैसेज है। कृपया इस संदेश पर ध्यान न दें, क्योंकि इस पर आपकी ओर से किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। ये संदेश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे अखिल भारतीय इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम को जांचने हेतु भेजा गया है। इस सिस्टम का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाना और आपात स्थिति के दौरान समय पर अलर्ट प्रदान करना है। अब सवाल है कि क्या आपको इस मैसेज से डरने की जरूरत है? क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है? दरअसल ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का अलर्ट एक साथ सभी फोन पर भेजा गया। पहली बार अगस्त में भी इस तरह का अलर्ट भेजा गया था, वहीं अब तक ये छठवीं बार है जब ऐसा अलर्ट भेजा गया है। अब आते हैं इस सवाल पर कि आपको इससे घबराने की जरूरत है कि नहीं। तो अगर आपके मोबाइल पर अचानक वाइब्रेशन के साथ अलग तरीके की आवाज आने लगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और दूरसंचार विभाग की ओर से एक ट्रायल 10 अक्टूबर को किया जाना था। इस ट्रायल में सभी के मोबाइल फोन में कुछ अलार्म जैसा बजेगा, जिससे उन्हें सतर्क किया जाएगा। ट्रायल सफल होने पर किसी भी आपदा के समय इसका प्रयोग करके सभी को सतर्क किया जाएगा। राहत आयुक्त जीएस नवीन ने बताया, ये सिर्फ एक अलर्ट मैसेज होगा जो आपको किसी भी आपदा के प्रति सतर्क करने के लिए किया जाएगा। यह वास्तविक आपदा का संक्षिप्त संकेत नहीं होगा, इससे बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब सवाल है कि यह किस तरह की आपदा में आपको अलर्ट करेगा? किसी भी नेशनल इमरजेंसी में सरकार एक साथ हर नागरिक को अलर्ट कर पाएगी? भूकंप, बाढ़, तूफान जैसी इमरजेंसी की खबर सब हिंदुस्तानियों को एक साथ दी जा सकेगी। अगर कभी जंग जैसे हालात बने तब भी सरकार इस अलर्ट सिस्टम का इस्तेमाल कर सकती है। इसके बारे में भारत दूर संचार विभाग ने पहले भी बताया था कि इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम तैयार करने के टेस्टिंग की जा रही है। इसके तहत आने वाले कुछ समय तक इस तरह के मैसेज भेजे जाएंगे ताकि इसके असर का आकलन किया जा सके और जरूरत पड़ने पर लोगों को आपातकालीन मैसेज भेजे जा सके। भारत सरकार नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर यह सिस्टम तैयार कर रही है ताकि सुनामी, बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाओं की स्थिति में लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा सके। अगर यह सिस्टम सही तरीके से तैयार हो गया तो मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि देश में अभी तक कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बन सका है जिससे सारे देशवासियों को एक साथ अलर्ट किया जा सके।